देश में हेलीकॉप्टर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत पहाड़ी क्षेत्र और हिल स्टेशन में हेलीकॉप्टर टूरिज्म के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही सरकार का इरादा वैसे धार्मिक स्थानों को भी हवाई सुविधा मुहैया कराने का है जहाँ यातायात के कम साधन है। घरेलू और विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब नए तरीके अख्तियार करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार हेली टूरिज्म बढ़ाने जा रही है। खासकर उन स्थानों पर हेलीकॉप्टर से यात्रा को बढ़ावा दिया जाएगा जहां अब भी जाने में मुश्किलें हैं। इसके लिए सरकार हेलीकॉप्टर सेवाओं पर नई नीति का ऐलान करने जा रही है। इसके साथ ही देश में हेलीकॉप्टर की तादाद 184 से बढ़ाकर 600 करने जा रही है। इतना ही नहीं, उड्डयन मंत्रालय हेलीपोर्ट और हेलीपैड की तादाद भी बढ़ाने जा रहा है। The ministry is actively involved in facilitating setting up of heliports at Delhi and Bombay. The participation of neighboring states in this endeavor will certainly go a long way. सरकार का कहना है कि मंदी के बावजूद सितंबर तक घरेलू पर्यटन उद्योग की विकास दर 10% से ज्यादा रही है। पर्यटन मंत्रालय का मानना है कि पर्यटन के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा बढ़ जाने से पर्यटकों की तादाद बढ़ेगी। Starting from Jammu and Kashmir to Uttarakhand, Himachal, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, सारे जगह है, तो इसी इसके लिए वहाँ पे एंड देर आर वेरी प्राइम टूरिज्म डेस्टिनेशन जो होते हैं पूरे हिंदुस्तान में। हेलीकॉप्टर टूरिज्म हो तो ज़रूर इसमें 2-5% बढ़ोतरी सिर्फ हेलीकॉप्टर टूरिज्म की वजह से होगी। उड्डयन मंत्रालय इसके लिए जल्द ही हेलीकॉप्टर लाइसेंस, रूट्स और हेलीकॉप्टर के आयात पर दिशा निर्देश लाएगा। सिद्धार्थ शेखर, जी बिजनेस, दिल्ली। अब वक्त है जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव खबर का।